हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बहुत बधाई हो सर। बधाई सर। बधाई पूरे सदन और जनता के तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई दी जाती है। आप आगे बढ़े और दीन दुखिया गरीबों की सेवा इस राज्य को ही नहीं देश में करने का काम करें। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है। आज तारीख है 1 मार्च 1951 को ही नीतीश कुमार का जन्म हुआ था और काफी लंबा संघर्ष रहा उनका। विगत 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है। उससे पहले केंद्रीय मंत्री वो रहे, विधायक रहे, सांसद रहे और एक लंबा सफर रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज बिहार विधानसभा पहुंचे, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, देखिए तस्वीरें कैसे। जब नीतीश कुमार पहुंचे तो बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने उनका फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। आज नीतीश कुमार का 73वां जन्मदिन है, यानी कि आज वो 73 साल के हो चुके हैं। और नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा के अंदर सदन की कार्यवाही के दौरान भी विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम जितने सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, उन सभी सदस्यों की ओर से जन्मदिन की उन्हें बधाई दी है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मैंने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें हैप्पी बर्थडे कहा है, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। नीतीश कुमार की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जितने बिहार के मंत्री, उन्होंने फूल गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है, उन्हें बधाई दी है। और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी क्या कुछ कहा है सदन की कार्यवाही के दौरान। तमाम तस्वीरें तो आपको बाहर की दिखा रहे हैं, अंदर की तस्वीरों को देखिए। बहुत बहुत बधाई हो सर। बधाई सर। बधाई आज सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस तरह से इस राज्य के सेवा कर रहे हैं, आपके प्रति जनता का अपार स्नेह है। आप आगे बढ़े और दीन दुखिया गरीबों की सेवा इस राज्य को ही नहीं देश में करने का काम करें। पूरे सदन और जनता के तरफ से आपको जन्मदिन की बधाई दी जाती है। मैंने कहा सदन के तरफ से। श्री मनोज कुमार यादव कल्याणपुर, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। तो अंदर की पूरी वीडियो हमने आपको दिखाई है, क्या कुछ अवध बिहारी चौधरी ने कहा है। तमाम जितने सदस्य हैं उन सभी के ओर से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। ठीक नीतीश कुमार के बगल में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, उन्होंने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की जो बिहार में सरकार है, गठबंधन वाली सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उस सरकार ने कह सके तो अब लगभग अपना 6 से 7 महीने का टर्म जो है पूरा कर लिया। और नीतीश कुमार बुलंदी के साथ तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें एकजुट करने में लग चुके हैं, क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि अगर हम सभी लोग एक हो जाएंगे तो आने वाले अगले चुनाव में, यानी कि 2024 के चुनाव में 100 सीटों पर ही समेट देंगे बीजेपी को। नीतीश कुमार का ये लक्ष्य है। अब ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है, सभी उन्हें बधाई दे रहे हैं, जितने उनके फैन फॉलोअर्स हैं सभी बधाई दे रहे हैं। सबको पर तरफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। पटना में नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर उनकी लंबी आयु को लेकर लोगों ने प्रार्थना की है, वो दीर्घायु हों, उनकी अच्छे स्वास्थ्य रहे, इसको लेकर सभी ने प्रार्थना की है मंदिरों में जाकर के। और सड़कों पर पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। नीतीश कुमार का खूब स्वागत हुआ है विधानसभा में, हैप्पी बर्थडे बोल बोलकर नीतीश कुमार का खूब स्वागत किया गया है। जन्मदिन की बधाई भी उन्हें दी गई सदन की चलते कार्यवाही के दौरान। आपने देखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।